अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रो पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके साथ शेयर किया जाता है बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और बहुत सारे कॉइन के एनालिसिस। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा हो, जहाँ पर आपको फ्री में इंस्टेंट न्यूज़ मिलता है ट्रेडिंग के बारे में और बहुत सारे फ्री सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स एनालिसिस के ऊपर है। बेसिकली आज हम, जैसे हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस का, इसका ये आज का पार्ट 4 है, जिसके अंदर फ्रेंड्स एक कैंडलस्टिक को देखने वाले हैं, जो कि है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइस, डोजी जो कैंडलस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसका एक डेफिनेशन चेक कर लेंगे कि डोजी कैंडलस्टिक क्या है, किस तरह वो बनता है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और अगर वो डोजी कहीं पर बनता है तो हमको उससे क्या आइडिया लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखा हूँ, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में इसलिए लिखा होगा क्योंकि बहुत सारे यूज़र हमारे वेस्टर्न कंट्रीज से हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद वो इसको पढ़कर समझ सके। गाइस, डोजी जो है कॉमन एक ऐसा कैंडलस्टिक है जो जनरली फाउंड हो ही जाता है, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट में और टेक्निकल एनालिसिस में। और फ्रेंड्स, ये जो कैंडलस्टिक होता है ये काफ़ी स्मॉल, यानी जो उसकी बॉडी होती है, जो उसकी बॉडी का लेंथ होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, उसका ओपन भी वहीं पर होता है, उसका क्लोज प्राइस भी वहीं पर होता है, मतलब वो इक्वल होता है। जैसे कि आपने अगर जनरली कैंडलस्टिक देखा है तो बॉडी काफ़ी लंबा होता है, उसके जो कुछ लो बनते हैं यानी जो शेडोज होते हैं वो बनते हैं, बट डोजी का जो कैंडलस्टिक है उसका ओपनिंग भी, मतलब उसका लो हाई बनता है, जहाँ पर उसका शेडो होता है, जो हम उसको शेडो कह सकते हैं, विक कह सकते हैं, वो बनता है, लेकिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है वो जगह पर रहता है, वो वहीं पर रहता है। हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। टोटल डोजी के जो मेन कैंडलस्टिक है वो 4 है, इसके अलावा कई और प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन जो मेन कैंडलस्टिक है जो कि हमको एक परफेक्ट सिग्नल देते हैं कि हमको अभी क्या डिसीजन लेना है। गाइस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डोजी कैंडलस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मेन यूज कहाँ पर होगा, कैसा करना है आपको, वह मैं आपको अभी बताऊँगा। अगर आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पर जो बना ये एक डोजी है, सिंपल डोजी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, ये ग्रेस्टोन डोजी है और ये लॉन्ग लेग डोजी है। गाइस, ये करीबन 4 डोजी कॉइन है, और हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये 3 है, एक ये डोजी यानी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट कहाँ पर होगा ये मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। आप जैसे कि चेक कर रहे हो, जो मैंने 3 आपको कैंडलस्टिक बताओ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहला जो कैंडलस्टिक है उसके आपको डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया हूँ मैंने, जिसके अंदर है कि डोजी अकर व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर बेसिकली द सेम प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया, जब डोजी बनता है इसका मतलब ये होता है कि इसका जो ओपन और क्लोज प्राइस होता है। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा, यानी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो रिक्वेस्ट है आप पहले जाकर वो पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये 4th पार्ट समझ में आने वाला है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 3 इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिए, कुछ मिस्टेक हुआ था मेरे से लिखने में, तो उसको इग्नोर कर लीजिए आप, ठीक है। बेसिकली पार्ट 4 है, ठीक है। तो ये जो कैंडलस्टिक बनता है जनरली, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जगह पर ही है, और मार्केट में अभी हमको एक परफेक्ट सिग्निफिकेंस, परफेक्ट सिग्नल्स, परफेक्ट रीजन नहीं मिला है, परफेक्ट हमको पता नहीं चला कि भाई यहाँ से मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, मतलब इसमें इनडिसीजन बहुत है। यहाँ पर ना ही बायर ज़्यादा एक्टिव है, ना ही सेलर ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि भाई अभी हमको एक्शन क्या लेना है। तो मेरा ख्याल से, मैं तो अगर इस तरह कोई डोजी, सपोज अगर कोई अप ट्रेंड बनने के बाद बनता है तो मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर से, लेकिन इसके बाद का जो पैटर्न होगा, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ से मार्केट डाउन ही आने वाला है। गाइस, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डोजी के 3 जो है ये रिवर्सल साइन शो करते हैं। अगर सिंपल डोजी बनता है, इस तरह का डोजी अगर बनता है, बट अगर चाहे ये एक लॉन्ग टर्म एक जो कहते हैं ना अप ट्रेंड के बाद बने, यानी काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडलस्टिक बना है 4 से 5, और उसके बाद अगर डोजी बन जाता है इस टाइप का डोजी, तो मैं मार्केट से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन बहुत है, यहाँ पर ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, इसके बाद क्या होने वाला है वो मुझे भी पता नहीं है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इस तरह भी होता है कि ये कैंडलस्टिक बनने के बाद प्राइस इसके और ऊपर जाता है, क्योंकि उस टाइम बायर्स एक्टिव होते हैं। तो आगे इसका एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि आपको इस तरह का कैंडलस्टिक जब बनता है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स, सेकेंड होता है ग्रेवस्टोन डोजी।
When the open and close price occur the low of the रिपोर्टिंग पीरियड दे क्रिएट अ ग्रेवस्टोन डोजिंग का बोलने का मतलब ये है इसके जो ओपन और क्लोज है जो सबसे जो लो प्राइस होता है अगर उसको वहां पर बनता है तो इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि भाई यहाँ से मार्केट डाउन आने वाला है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है बायर्स कम एक्टिव है इसका मतलब प्राइस जो है वो डाउन आने की काफी कोशिश कर रहे हैं जो सेलर्स है प्राइस डाउन लाने की तो जहाँ तक यहाँ से जो प्राइस होता है वो बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट होता है इसका भी इंटरप्रिटेशन यही है गाइस मान के चलिए अगर अप ट्रेंड रहा काफ़ी लंबा 5 से 6, 6 से 7 या 1-2 कैंडलस्टिक के बाद ये पैटर्न बनता है यानी ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो वहाँ से प्राइस सीधा नीचे आएगा वो भी काफ़ी तेज़ी से इसका ये इंटरप्रिटेशन होता है तो ये था ग्रेवस्टोन डोजी उसके बाद होता है गाइस लॉन्ग लेग्ड डोजी When the open and close price occur at the top of the reporting period, the result is long leg doji. The pattern suggests that a market has reached the support price and reversal is likely. इनका बोलने का मतलब ये है कि सपोज जब भी लॉन्ग लेग डोजी बनता है इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है क्या बेसिकली ये कैंडलस्टिक जब बनता है मान के चलिए जब काफी लंबा डाउन ट्रेंड रहा मतलब जैसे कि प्राइस गिर रहा है 2, 4, 5, 6 कैंडलस्टिक बन चुके हैं और लगातार प्राइस नीचे आ रहा है उसके बाद अगर लॉन्ग लेग डोजी बनता है और उसके बाद इस तरह का हमको सिंबल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि भाई अब ये रिवर्सल ले रहा है मतलब जो अभी डाउन ट्रेंड था वो अभी खत्म होने की तादाद पर है वो खत्म होने वाला है और अब यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब समझा देता हूँ आपको कि देखिए प्राइस ओपन यहां पर हुआ था अगर मैं ग्रेवस्टोन डोजी की बात करता हूं प्राइस ओपन यहां पर हुआ था और प्राइस ओपन यहां पर हुआ था और बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को अप लग जाने के लिए लेकिन सेलर्स ने वापस प्राइस को डाउन कर दिया इसका मतलब यह है कि यहां पर सेलर्स बायर्स से ज्यादा एक्टिव है हमको यहां पर यह समझने की भाई प्राइस अभी डाउन आने वाला है और यहां पर इसका अपोजिट है प्राइस ओपन यहां पर हुआ था प्राइस डाउन आया था और बाद में वापस प्राइस अप जाकर वहीं पर क्लोज किया इसका मतलब हम एक इंटरप्रिटेशन ये ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और प्राइस अब जाने के चांसेस हैं यानी जो डाउन ट्रेंड था अब वो खत्म होने की तादाद पर आ चुका है अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊँ एक हमने जो बेसिक डोजी देखा था अगर आपको याद है ये डोजी इसके डोजी के 2 अलग अलग पार्ट्स है क्योंकि हर अलग ट्रेंड में बनने का अलग नेम होता है गाइस अगर आप यहाँ पर देख रहे हो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सिंपली डोजी है जो आपने फर्स्ट कैंडलस्टिक में देखा है यहाँ पर जो आप देख रहे हो सिंपल डोजी है अब इसके 2 अलग अलग नाम आ जाते हैं एक है मॉर्निंग डोजी स्टार और दूसरा है इवनिंग डोजी स्टार सिंपल से समझने वाली गाइस बात है मॉर्निंग मतलब सुबह इवनिंग मतलब शाम शाम को सूरज ढलता है सुबह को सूरज उगता है तो इसके वही हिसाब से नाम रखा गया है अब इसको मॉर्निंग डोजी स्टार क्यों कहा गया फ्रेंड्स बहुत अंधेरी रात के बाद ये डोजी बना उसके बाद सवेरा आया मरकर यहाँ से प्राइस अब जाने की उम्मीद है अब जाने की कोशिश कर रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चले गए ये लगातार कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में था 1, 2, 3, 4, 5 लगातार कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में था दोबारा रिपीट करो टाइम पीरियड जो है आपको यहाँ पर 15 मिनट का सिलेक्शन नहीं करना है 30 मिनट्स का भी आप कर सकते हो पर ज़्यादातर आप मेरे हिसाब से 1 आवर का कीजिए 1 डे का कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए 1 आवर का भी करते हो तो ठीक है 1 डे का भी करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी प्रॉफिट आपको दे सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न तो अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ से लगातार प्राइस डाउन आ रहा था लगभग काफ़ी ज़्यादा पीरियड तक प्राइस डाउन आया है अभी डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर कि आपने कौन सा सिलेक्शन किया है मान के चलिए एग्जांपल कि ये 1 घंटे का कैंडलस्टिक है अरे हर एक कैंडल जो है 1 घंटे का है और ये 1 घंटा 2 घंटा 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब लगातार 7-8 घंटे तक प्राइस डाउन आया है उसके बाद एक बुलिश रिवर्सल मिला है मतलब उसके बाद हमको एक डोजी बना है इसको हम कहेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार जब भी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनता है उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं और यहाँ से प्राइस बहुत अच्छे से अप जाते हैं सब देख रहे हो ग्रीन कैंडल बना है और लगातार प्राइस अप गया है एक इसका इंटरप्रिटेशन आप याद रखिएगा इस सपोज अगर ये डाउन ट्रेंड लंबा था उसके बाद इस तरह का या कोई भी एक कैंडलस्टिक बनता है बेयरिश में और उसके बाद ये डोजी बनता है तो इसका जो पॉइंट ऑफ जो उसका पॉइंट था वहीं उसके ही टच से अगर प्राइस अपर जाता है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रांग सिग्नल मिलता है कि आपको ये परचेज करने का सिग्नल दे रहा है आप मार्केट में इन हो जाइए परचेज कीजिए और यहाँ पर आप कहीं पर भी आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो एज पर द टाइम पीरियड एज पर द पैटर्न ठीक है तो उम्मीद है आपको ये मॉर्निंग डोजी स्टार समझ आ चुका है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गाइस जब भी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनेगा और उसके बाद एक कैंडलस्टिक बुलिश बनेगा तो ही आपको एंटर करना है ठीक है इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि मान के चले भाई यहाँ से करंटली प्राइस ऊपर जा रहा था बिल्कुल बुलिश था यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप देख रहे हो ठीक है एक डोजी बना यहाँ पर एक डोजी बन चुका है यहाँ पर वही कंटिन्यूस कर रहे हैं अब यहाँ पर लगातार प्राइस अप गया है
अब ये एक लंबा कैंडलस्टिक बन चुका, काफी बड़ा बना है, एक घंटे कैंडलस्टिक मानते हैं, मतलब लगातार काफी बार से इसमें परचेस किया है। उसके बाद एक बेयरिश डोजी बनता है, मतलब एक अप ट्रेंड के बाद अगर एक बेयरिश डोजी बनता है, उसके बाद एक सिंबल मिलता है, तो यहां पर आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। इस कैंडलस्टिक को पूरा कंप्लीट होने के बाद जब न्यू कैंडलस्टिक बनेगा, तो भैया जी यहां पर आपको आपका प्रॉफिट बुक करके, मतलब यहाँ पर आपको सेल कर देना है। आप चाहो तो इसको देखकर भी सेल कर सकते हो, पर बहुत से बार ऐसा होता है कि ये बनने के बाद एक कैंडलस्टिक छोटा सा बनता है, फिर से वो अप जाता है, तो आपको वेट करना है उसके बाद कैंडलस्टिक बनने का। अगर उसका बाद कैंडलस्टिक पूरा बन जाता है, पूरा रेड बनता है, उसके बाद फिर से रेड बनने की तादाद पर, तो यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। मतलब आपने अगर यहाँ पर एंटर किया तो इतना घंटे का आपने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना चुका है, और यहाँ पर भी एग्जिट लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको 50-60% प्रॉफिट बुक हो जाता है। जो डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनता है वो मॉर्निंग स्टार डोजी है, जो अप ट्रेंड के बाद डोजी बनता है वो इवनिंग स्टार डोजी है। उम्मीद है आपको समझ आया है। उसके बाद है फ्रेंड्स डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेस्टोन डोजी, सेम इंटरप्रिटेशन है इन दोनों का। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है गाइस, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं एक एक घंटे की एक दिन की भी बात करूँ तो मतलब 3 घंटे तक लगातार मार्केट गिरा था, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। इसका इंटरप्रिटेशन हमको ये मिला है कि भाई यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाने वाला है, मतलब अभी तक जो डाउन ट्रेंड था वो अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है, हमको वेट करना है, या तो हम यहाँ पे भी परचेज कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखिए गाइस, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका ये जो ओपनर जो बॉडी रहेगा वो छोटा रहेगा, टॉप में बना रहेगा, लेकिन इसका जो शेडो रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। अगर इस टाइप का आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलता है, उसी को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे, और तभी हम मार्केट में एंटर करेंगे। गाइस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी काफ़ी छोटी होना चाहिए और इसका जो टेल है, वीक है, शेडो है, जो भी आप कहना चाहो इसको, वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, तो भी आप उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे, तभी आप परचेस कर सकते हो। सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है गाइस, जब भी डाउन ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, मतलब मार्केट यहाँ से चेंज करने वाला है, रिवर्सल करने वाला है, आपको मार्केट में आने की ज़रूरत है। समझ आ चुका है। उसके बाद है फ्रेंड्स ग्रेवस्टोन डोजी, ये पत्थर का जो कहते हैं ना ग्रेवस्टोन, मतलब वही होता है ना पत्थर के ऊपर जो पत्थर रखा, सॉरी कबर के ऊपर जो पत्थर रखा जाता है उसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, उसको ग्रेवस्टोन कहते हैं, उसको डोजी का नाम इसलिए क्योंकि ये एक कबर है और ये उसके ऊपर का पत्थर उस टाइप का डिज़ाइन बनता है, तो इसलिए उसको ग्रेवस्टोन डोजी कहा जाता है। सेम इंटरप्रिटेशन अपोजिट रहेगा इसका, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में था, मतलब लगातार प्राइस अप गया है, अप जाने के बाद एक अच्छा खासा एक प्यारे तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पर हमको हमारा प्रॉफिट बुक करता है, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ है, प्राइस अप गया है, वापिस अब जाके वापिस आया है और यहाँ पर क्लोज किया, तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ से अभी एग्जिट ले लेना है। हमने जो भी परचेस किया है तो कॉइन्स को अभी हमको उसको सेल कर देना, ताकि हम यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक किए वो प्रॉफिट सक्सेसफुल हो जाए। गाइस ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेस्टोन डोजी या जो सिंपल मॉर्निंग और इवनिंग स्टार डोजी है, इन सबका एक ही इंटरप्रिटेशन है, क्या वो रिवर्सल साइंस हमको शो करते हैं, रिवर्सल पैटर्न बताते हैं, मतलब वो मार्केट में जो रिवर्सल आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन हमको देते हैं, उसका सिग्नल्स हमको देते हैं। गाइस इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, जब तक आप इसको लाइव चार्ट पर नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप लाइव चार्ट पर कोशिश कीजिए, अपने आँखों को ट्रेन कीजिए कि ये ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ कहाँ पर दिखता है, और उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस ऊपर गया नीचे गया वो भी चेक कीजिए, तो इससे आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा कि यस डोजी कैंडलस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा लाइव चार्ट देख लेते हैं, अभी मैं लाइव नहीं बताऊं क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने एक चार्ट पर स्नैपशॉट लिया हूँ। जनरली यहाँ पर तीनों डोजी हमारा आ चुका है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार इसमें नहीं है, वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर दो पैटर्न यहाँ पर राइट में बना था, मतलब मार्केट करंटली गिर रहा था, गिरने के बाद एक कैंडल बना यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से प्राइस अब जाने की तादाद पर है, और बट इसके बाद आप चेक कर सकते एक रेड कैंडल बनाए, हम एक शायद इसका इंटरप्रिटेशन ये ले सकते थे कि यार शायद मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इसका जो क्लोजिंग है, मतलब जो डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, उसकी तादाद के ऊपर से ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ओपन देखिए यहाँ से हुआ था प्राइस, ठीक है, और क्लोज यहाँ पर हुआ, लेकिन डाउन आने के बाद थोड़ा लो बनाए, अगर इसके लो इसके बराबर हो और उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक फिर से बन जाती है, तो एक इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है। फिर भी अगर आप यहाँ पर भी एंटर करते हो गाइस, तो कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं बनने वाला है, यहाँ से प्राइस अप ही जाना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कभी भी आता है, डाउन ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई बना है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूअसली अप गया है।
लॉन्ग लेग डोजी बना है अप ट्रेंड के बाद। जनरली इस लॉन्ग लेग डोजी का यूज जो होता है अप ट्रेंड में काफी होता है, और मेरे हिसाब से अप ट्रेंड में ही सक्सेसफुल बनता है। इसका मतलब अब जैसे यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कंटिन्यूसली प्राइस अप गया है, लगभग 1, 2, 3, 4 कैंडलस्टिक पॉजिटिव में बनाए, यानी बुलिश में बनाए, उसके बाद लॉन्ग लेग डोजी बना है यहाँ पर। इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, मतलब इसका एक ही सिंपल सी बात है, भाई प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ से डोजी बना है, आप चाहो तो यहाँ पर भी एग्जिट मार सकते हो। अगर मैं इस तरह का अगर मुझे कोई सिंबल मिलता है तो मैं ग्रे स्टोन डोजी पर ही एग्जिट मारूंगा, जो यहाँ पर कैंडलस्टिक पूरा बन जाएगा। अगर इसके बाद का थर्ड रेड बनता है तो मुझे और कंफर्मेशन मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर लूँगा। तो आप भी चाहते यहाँ पर भी एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। फिर ये कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरा है। अब अगर यहाँ पर देख रहे हो तो ये भी एक डोजी टाइप नहीं है, ये कुछ और कैंडलस्टिक है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसको हैमर कहते हैं, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसको आप देख रहे हो ये एक डोजी है, ये स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। ये आप अगर आप देख रहे हो ये स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि ये डोजी नहीं है, ये इसका बॉडी थोड़ा बड़ा है, तो ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप हमने ऑलरेडी चेक कर दिया है जो कि मार्केट का रिवर्सल बताता है। अगर आप देख कर रहे हो तो एक डोजी से कन्फर्मेशन आए, उसके बाद भी स्पिनिंग टॉप बना है, इस पर भी हमको कन्फर्मेशन मिला है, और यहाँ से मार्केट सीधा अप गया है। उसके बाद ग्रेस्टोन डोजी बना है, जो कि अब जाने के बाद ग्रेस्टोन डोजी यहाँ पर बना है और फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट फोर, इस पार्ट थ्री को मत देखिए, जनरली पार्ट फोर है डोजी कैंडलस्टिक के बारे में, और लगभग चारों कैंडलस्टिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चारों का पहले स्टडी कीजिए, उसको समझिए, लाइव चार्ट पर जाकर एक बार देखिए कि किस तरह ये बनता है, और आप उसके बाद का प्राइस एक्शन देखिए कि प्राइस वहाँ से अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा कि यस जो डोजी कैंडलस्टिक है वो प्रॉपरली वर्क करता है, और आप भी उससे प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो मार्केट का और आपके ट्रेडिंग पॉइंट का। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट सीरीज यानी पार्ट 5 अपलोड हो तो इसके ऊपर कम से कम 500 लाइक्स, 200 कमेंट्स और 100 शेयर दिखाइए वीडियो पर, तो जल्दी आपका पार्ट 5 भी अपलोड हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।